दरभंगा यूनिवर्सिटी। लास्ट टाइम मैं इस किले का बनाने वाली थी बट संडे की वजह से बंद हो गया था, तो मुझे लोकेशन चेंज करना पड़ा और उस टाइम मैं श्यामा माई मंदिर का बनाई थी। काफी अच्छा प्यार दिए आप लोग, सपोर्ट किया, बट इस बार मैं फिर से आई हूँ LNMU का बनाने के लिए क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा मन था। आप LNMU देख सकते हो सामने, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए एंड बहुत ही मजा आने वाला है। आज मैं पिछले बार से अच्छा वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि वो मेरा बिल्कुल फर्स्ट टाइम था और बिल्कुल भी एक्सपीरियंस था नहीं, बट फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस मिला है उससे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला है। अब मैं इस बार कुछ अच्छा कर सकती हूँ और पिछले बार से मैं बिल्कुल बेस्ट कर देने वाली हूँ अपना। कमेंट में तो जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो गाइस, ये जो सामने आप देख रहे हो ये हमारा लोकेशन है एंड इधर मैं सामने बैठ के पेंटिंग करने वाली हूँ। मेरा सारा सामान रेडी हो चुका है एंड आज मैं ट्राइपॉड अपना घर पे ही भूल के आ गई बिल्कुल, तो मुझे नहीं पता मैं कैसे वीडियो शूट करने वाली हूँ, बट हाँ चलो मैनेज मैं कर लूंगी। तो यहाँ मेरा पेपर भी रेडी है एंड आज मैं पोस्टर कलर बनाने वाली हूँ, वाटर कलर टेक्निक ही बनाने वाली हूँ। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्केचिंग करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि 4 बजे जो है यूनिवर्सिटी बंद भी हो जाता है, तो 4 बजे से पहले मुझे वीडियो को कंप्लीट करना होगा। तो गाइज अभी मैं स्केचिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ और A4 साइज है, ये वाटर कलर पेपर है एंड मैकेनिकल पेंसिल रहा। सबसे पहले फटाफट से स्केचिंग करते हैं एंड स्केचिंग करने में मुझे लगता है 30 मिनट तो लग ही जाएंगे मुझे, और उसके बाद से जो कलर करने में जो भी टाइम लगेगा। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कैसा बनेगा, बाकी मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी। धूप भी काफी ज्यादा है, इधर बैठने में भी काफी प्रॉब्लम हो रहा है। क्या कर रहे हो? लाइव पेंटिंग कर रहे हैं कल भी। मैं उसको अंग्रेज कलकत्ता में देखे थे, अंग्रेज को बनाते हुए। अच्छा लग रहा है आपको? वैसे विक्टोरिया का जो पार्क जो है, विक्टोरिया रानी का जो महल है, बैठे बैठे पूरा तैयार कर रहा हूँ धमतल्ला में। वो कलकत्ता में देखे थे ना, यहाँ पे आपको दरभंगा में देख के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, थैंक यू। रिजल्ट देख के तैयार करना मामूली बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं होती। हम कलकत्ता में बचपन से रहे हुए। तो गाइस अभी मेरा स्केचिंग चल रहा है, तभी अंकल जी आए ये लेमन टी देने के लिए और बता रहे थे अपना कुछ स्टोरी जो ये कोलकाता में देखे थे, अभी सेम एक्सपीरियंस अपना बता रहे हैं। तो सामने से देख करके काफ़ी ज़्यादा तारीफ की और अच्छा लगा मुझे। तो अभी ये चाय पिला रहे हैं, दीजिए अभी चाय पी के देखते हैं कैसा बना है। टेस्टी है बहुत ज़्यादा, थैंक यू सो मच अंकल जी। अभी मेरा स्केचिंग कंप्लीट हो चुका है एंड पिछले 1 घंटे से मैं स्केचिंग ही कर रही थी। 1 घंटे तो मुझे लग ही गया पूरा और काफ़ी लंबा सा है इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा है। ये भी इतना कंप्लीट हुआ है एंड शेडो के साथ मैं बनाने वाली हूँ, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के इस वीडियो में। आशीर्वाद दीजिए कि ये मेरा ना मिलियन में चला जाए, वायरल हो जाए। और अभी फटाफट से कलर स्टार्ट करने वाली हूँ, तो ये ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट है। कलर करने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, तो उसके बाद देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है एंड मैं अपना पूरा बेस्ट देने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी यूनिवर्सिटी का, बहुत काफ़ी टाइम से मेरा मन था यूनिवर्सिटी का बनाने का। सो फर्स्ट टाइम आई थी तो बना नहीं पाई थी, सो इस बार मैं बना रही हूँ और बिल्कुल पानी वगैरह भी बनाने वाली। अभी धूप भी बहुत है सो मैं धूप के नीचे बैठ के बना रही हूँ। सब लोग घर पे ही ट्राइपॉड अपना भूल गए तो इसलिए ज़्यादा मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पा रही हूँ, मतलब जो भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो उनका मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि फ़ोन हाथ में रख के एक साइड से बनाना और दूसरी साइड से फ़ोन पकड़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए। सो इसलिए अभी मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। जो ज़रूरी का है वो तो वीडियो पूरा फुल वीडियो मैं शूट कर ही रही हूँ और वीडियो में दिखाऊंगी। बैठने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, ये रहा मेरा स्केचिंग देखो। सो गाइज अभी मैं कलर करने स्टार्ट करने वाली हूँ बट मेरे पास पानी नहीं है, जो बोतल में पानी लेकर के आई थी घर से वो ख़त्म हो चुका है, तो आसपास में अभी पानी मिल नहीं रहा है, तो क्या करना। अभी देखो सामने नदी है तो फिर नदी से पानी निकालते हैं, मज़ा आने वाला है। मतलब ये सब काम अच्छा एक्सपीरियंस है, ना जाए डर लग रहा है अभी। पेंटिंग के साथ साथ ये पानी ना बिल्कुल फर्स्ट टाइम होने वाला है मेरे लाइफ में, ऐसा पानी लेकर के आज तक मैं जिंदगी में कभी पेंटिंग नहीं, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। सो गाइस कलर करना अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो सबसे पहले जो मैं कलर करने वाली हूँ वो मैं किला का कलर करने वाली हूँ एंड स्काई का। तो करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है, बट मुझे लगता है 2 घंटा काफ़ी है मेरे लिए, 2 घंटे मैं कंप्लीट कर लूँगी। बट अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कितना टाइम लगेगा और धूप भी काफ़ी ज़्यादा, भूख भी लगी है मुझे, तो बीच में मैं ब्रेक लेने वाली हूँ थोड़ा सा, पहले मैं कुछ खाऊंगी उसके बाद में फिर से स्केच करूँगी। तो अभी फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं।
यूनिवर्सिटी का। सही है, कब से कर रही हैं आप ये सब? ये मैं 5 साल से अभी कर रही हूँ, बट मेरा जो लाइव है ना वो अभी ये मेरा सेकंड टाइम ही है। श्यामा माई मंदिर का की थी फर्स्ट लाइव पेंटिंग एंड ये मेरा सेकंड है। आज ये बैठ जाइए इधर। अरे कोई बात नहीं, इतना वो नहीं, अच्छी बात है। मतलब अभी मैं पेंटिंग कर रही थी और ये जयकांत भैया है, ये अपने दरभंगा से ही है और ये दूर से देखे कि कोई पेंटिंग बना रहा है तो ये मेरे पास आ गए हैं और मेरे से पूछे कि आप क्या कर रही हो। तो जैसे ही मैं इनको बताई कि मैं पेंटिंग कर रही हूँ, लाइव पेंटिंग, तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो अभी मैं इनसे बात करूँगी और ये अभी मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं। सो इनका भी यूट्यूब चैनल है जयकांत ना, तो इनके भी चैनल को सपोर्ट कीजिए बिल्कुल। और आपको जो पूछना पूछ सकते हैं। सो गाइस, मेरा पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, फाइनल टच में करने जा रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, शाम भी हो चुका है, तो इसको जल्दी जल्दी से अभी कंप्लीट करना है क्योंकि घर जाने में लेट हो जाएगा। तो बाकी ये देखो मेरा पेंटिंग कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। सो फटाफट से अभी इसको फाइनल टच करते हैं। अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम होता तो और भी अच्छा बनता, बट जैसा कि शेडो वगैरह प्रॉपर अभी बन नहीं पा रहा है, स्पेस के वजह से भी और टाइम के वजह से भी काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। मतलब पिछली बार जो मैं बनाई थी वो कम टाइम में बन गया था, बट इस बार जो मैं बनाई हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि डिटेल वर्क है इसलिए। सो गाइज, ये देखो मेरा कंप्लीट हो चुका है पेंटिंग, इसमें थोड़ा बहुत और भी काम बाकी था बट लेट हो गया, तो चलो कोई नहीं, इतना अभी बना है। ये रहा मेरा फाइनल सेकंड लाइव पेंटिंग और आज तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और काफ़ी सारे लोग आए, नए नए लोगों के साथ मतलब जुड़ना अच्छा लगता है मुझे भी। और बाकी आप लोग इस पेंटिंग को देखो एंड उसके बाद मुझे कमेंट में बताना कि कैसा है, जो फर्स्ट पेंटिंग में बनाई थी लाइव उससे बेटर है या नहीं। नेक्स्ट बताना सेकंड लोकेशन हमारा क्या होना चाहिए, लाइव पेंटिंग या फिर कुछ ऐसा चैलेंजिंग, मतलब आप लोग को लगे कुछ चैलेंज तो आप कुछ चैलेंजिंग वीडियोज़ वगैरह भी कमेंट में बता सकते हो, तो उस पर मैं ज़रूर वीडियो लेकर के आऊँगी। सो कैसा आप लोग बताएं कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।